सर, आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नीलकमल सिंह को उस प्रोग्राम में बुलाया ही नहीं गया, और यहाँ तक कि लोग अभद्र अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इसी सच को आज दूध का दूध और दही का दही इस वीडियो में कर देने वाला है आपका भाई। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब शायद आप समझ पाइएगा। भोजपुरी में भैया ये ऑडिशन दिया था, एक शो चल रहा था सुर संग्राम, उसमें ये भाई ऑडिशन देते हैं और इनको हटा दिया जाता है, सिलेक्ट नहीं होता है उस सुर संग्राम के ऑडिशन में। लेकिन यही इंसान आज मेहनत करता है, एक दिन ये स्टार को आप ट्रेनिंग में रहते हुए देखेंगे, जबकि इनको सुर संग्राम में ऑडिशन से धक्का मार के बिगला दिया गया था। ये बंदा मेहनत करके आज इस मुकाम पे आ गया है कि हर दिन ट्रेंडिंग में ही रहता है। लेकिन एक बात तेजी से वायरल हो रहा है अभी, जो बहुत दिनों के बाद बताया जा रहा है, 60 साल के बाद कोई म्यूजिक अवार्ड हुआ है अभी पटना में, जो फिल्मी शो में नीलकमल सिंह नहीं देखे, तो बहुत सारे उनके फैंस और जो भी उनको चाहते हैं सारे लोग गलत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो आप कुछ देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरी का जो भी कलाकार है सबको इन्वाइट किया गया था, प्लस में नीलकमल सिंह का बात करें तो इनको भी इनवाइट किया था। जब से ये अपने भाई को खो दिए उस दिन से ये बंदा आज तक कभी नहीं स्टेज प्रोग्राम किया है और न कभी करेगा, ऐसा इनका इंटरव्यू आप लोग जरूर देखे होंगे। खैर दोस्तों, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी जो लोग कन्फ्यूज है उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके। फिर मिलते हैं अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।